हेलो गाइस, दिस इज अखिल रॉय एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश, और पिछले कुछ वीडियो से आप देखे जा रहे हैं लगातार कि मैं वोकैब स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने वोकैब स्टार्ट भी किया है एंड आज भी वोकैब ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दीज आर द वर्ड्स, बैफल्ड, इमिनेंट, बॉइस्टरस, बैलिटल एंड दिस वन इज वॉस्टर। सो इन वर्ड्स को हम इन वर्ड्स के हम दो सेक्शंस देखेंगे। पहला तो साइनो होता है, दूसरा एंटोनिम्स होता है। तो इससे रिलेटेड वर्ड जो इससे बहुत ही ज्यादा पास वाले, जिसे नियरेस्ट कहते हैं, द नियरेस्ट मीनिंग, यानी जिसे हम सिनो कहते हैं, सिनो पढ़ेंगे फिर एंटो पढ़ेंगे। तो विदाउट गेटिंग लेट, आई जस्ट कम टू द टॉपिक एंड टॉपिक द वर्ड इज बैफोल्ड। सो हियर आई गो, दैट इज बैफोल्ड। What is baffled? The most important thing is to know is that what is baffled? Baffled का मतलब that when we are confused with any things, that is baffled. Baffled का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज से confused हो जाते हैं, जैसे कोई चीज देखा और हम confused हो गए, तो that is baffled. अब baffled, confused, तो आज हम जब confused कहते रहते हैं, तो confused की जगह पे we can use baffled also. और उसके अलावा और भी बहुत सारे words हैं जो confused की जगह पे use हो सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट स्टार्ट विद सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इज कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफाउंडेड, आई वॉज परप्लेक्स्ड विद योर स्टेटमेंट, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, पजल्ड, यू ऑल्सो नो दैट, पजल्ड। And the next one is eluded. So these are the words which are nearest in the meaning with the baffled. Baffled का मतलब ही होता है असमंजस में पड़ जाना। मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी सी बहुत गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या, इंग्लिश वाली भी कुछ खास नहीं है, पर हाँ अगर आपको समझ में आ जाती होगी तो प्लीज आप कर लीजिएगा। दैट इज असमंजस में पड़ जाना। मैंने अभी बता भी दिया कि असमंजस मतलब कंफ्यूज हो जाना। फिर इसका एंटो क्या होगा भाई? इसका एंटो होगा रियलाइज्ड, ईज्ड, सूथेड, कंफर्टेड। कंफर्टेड का मतलब होता है कि आप बोल्डली अगर किसी चीज को मान लेते हैं, दैट इज कंफर्टेड। सूथेड, ईज, मतलब बिना किसी परेशानी के आप किसी चीज को समझ लेते हैं, मान लेते हैं, दैट इज ईज्ड। रियलाइज्ड का भी मतलब यही होता है। बैफल्ड के एंटोनिम्स की जगह पे हम रियलाइज्ड, ईज, सूथेड, कंफर्टेड के यूज किया जा सकता है। तो द फर्स्ट वर्ड ends now. Now the second word is imminent. Imminent is something which cannot be avoided. जैसे कोई चीज, कोई घटना है, there is some incident which cannot be avoided, that is imminent. जैसे एक बस आती है और सामने एक बाइक वाला है, there is no place कि बाहर से निकला जा सके कि तो ऊपर क्या होगा। There is a bus coming and there is a bike coming. What happened there? There would be an imminent accident. मतलब एक ऐसा accident होगा जिसको हम टाल नहीं सकते, that is imminent. आप समझ रहे होंगे imminent से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो here we go. Imminent, जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सिनोनिम्स पे ही हम काम करेंगे। एक तो होता है इनएविटेबल, ओके, एंड सेकंड वर्ड इज अनअवॉइडेबल। द थिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट इज अनअवॉइडेबल। द थिंग विच कांट बी स्टॉप्ड, दैट इज इनएविटेबल, राइट? तो इसके हम सिर्फ सिनो ही इंपॉर्टेंट है, तो सिनोनिम्स को याद करेंगे। तो आई होप इन चीजों को आप याद करेंगे और एग्जामिनेशंस में यूज करेंगे। और हाँ, अपने डेली स्पीचेस जो यूज करते हैं आप, जो आमतौर पर लोगों से बोलने के लिए जो आप स्पीचेस यूज करते हैं,
तो ज्यादा बेहतर है कि रटने से ज्यादा बेहतर ये है कि अभी उस वर्ड्स का आप अपने स्पीचेस में यूज करें तो आपको वो कारगर ज्यादा साबित होगा और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये बोझ नहीं लगेगा. इट वोंट फील अ बर्डन कि आप किसी वर्ड्स को याद करें. आई नो दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग दैट आई एवर लर्न बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू बी यूज इट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज एग्जामिनेशन में कभी गुड और बैड नहीं आएगा. द थिंग्स इज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और मेहनत भी बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं बिकॉज बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर हम उस चीज को एक सिस्टमेटिक वे में और एक बस ऐसे मजाक में भी हम चीजों को याद कर सकते हैं. तो विद दैट होप कि आप चीजों को जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से बिकॉज आई क्योंकि मैं खुद भी इस चीज को फॉलो करता हूं एंड आई बिलीव कि हाँ ये कारगर है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज मैं भी बता रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट तो आई नो बेटर दिस की चीजों को कैसे याद करना चाहिए. बॉइस्टरस का मतलब होता है शोर शराबा. शोर शराबा बहुत हल्ला गुल्ला जो होता है दैट इज बॉइस्टरस. बॉइस्टरस पहला तो नॉइजी हो जाएगा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनो. Noisy हो जाएगा, loud हो जाएगा, clamor हो जाएगा, clamorous. Vociferous, बहुत प्यारा मीनिंग है vociferous. तो अगर आप कहीं हल्ला गुल्ला वाला माहौल में जाते हैं तो आप boisterous बोल सकते हैं, clamorous बोल सकते हैं, vociferous. गाइस देखो जो नए नए वर्ड्स हैं अगर उस नए नए वर्ड्स को हम अगर अपने डेली स्पीचेस में यूज करते हैं तो एक तो आपकी वोकैब बढ़ती है एंड सेकंड वन जो चीजें होती है वो आपका भाषा निखरता है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके एंटो की बात कर लेते हैं हम. काम क्वाइट ट्रैंक्विल एंड लास्ट वन इज सेरेन. सो दीज आर द वर्ड्स काम क्वीट ट्रैंक्विल एंड सेरेन. दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ बॉइस्टरस. आई होप आप चीजों को याद करेंगे एंड चीजों को बेटर वे तरीके से यूज करेंगे. द नेक्स्ट वन इज बैलिटल. और आज के एटमोस्फेयर में बैलिटल के यूजेस कुछ लोग फिजिकली बहुत ज्यादा करते हैं. बैलिटल इज समथिंग जब आप किसी चीज को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. आमतौर पर एक लोग दूसरे लोगों को एक मनुष्य दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है. दैट इज बैलिटल. और बैलिटल एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है तो इसका सिनो हम देख लेते हैं पहले. सिनो तो पहले इंसल्ट ही हो गया है ना. एक अबैश हो गया. डिस्पैरेज हो गया. रिड्यूक्यूल हो गया. स्लैंडर हो गया. डियरी हो गया और डिराइड हो गया. दीज आर द वर्ड डिराइड डियरी डिस्पैरेज. दीज आर द वर्ड्स विच हैज बीन आस्क्ड. तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं. रिडिक्यूल और अबेस. अबेस आमतौर पे पूछा जाता है. अबेस का मतलब होता है किसी चीज को नीचा दिखाना. गाइस देयर आर टू वर्ड्स. देयर इज अबेस. देयर इज अबेस. अबेस का मतलब होता है लज्जित करना. अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना. तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अबेस इसमें ई है, इसमें एस एच है. एच है तो लज्जित होना और ई है तो नीचा दिखाना. तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे. इफ यू कम टू द एंटोनिम्स देन यू विल फाउंड आउट दैट सम गुड वर्ड्स एंड द गुड वर्ड्स आर appreciate commend
कमेंट एक्सटॉल लाउजेबल पैनीगिरीज एंड सो ऑन. These are the words: appreciate, comment, extol, laudable, and panegyrist, which can be used as the antonyms of palatal. So palatal ends now, and the next word is foster. And foster से याद आया कि एक foster होता है और दूसरा frost होता है. Frost is a phenomenon जब बारिश के जगह पे आइस की छोटी छोटी बूंदे गिरने लगती है या पेड़ पत्तियों को ढक लेती है. आमतौर पे ये बहुत ही ज्यादा आइसी प्लेसेस जहां होते हैं वहां ही होता है ये फॉस्टर. फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना. Guys, I'm sorry because ये चीजें ज्यादा चल नहीं रही हैं, पर आई थिंक फॉस्टर इसका सिनो हो जाएगा. पहला तो द थिंग विल बी प्रमोट स्टिमुलेट एक्सॉर्ट मोटिवेट. प्रमोट स्टिमुलेट एक्सॉर्ट मोटिवेट इसका डी एंटो क्या हो जाएगा. एंटो विल बी डीमोटिवेट डिस्करेज और यहां करेज भी कह सकते हैं. इनकरेज को भी कैन बी इंक्लूडेड. डिस्करेज हो गया. फिर उसके बाद सप्रेश बहुत अच्छा वर्ड है. सप्रेश सप्रेशन ऑफ वॉइस का मतलब कि आवाज को दबा देना. सप्रेशन ऑफ पावर यानी पावर को दबा देना. सप्रेशन ऑफ थॉट यानी थॉट को दबा देना. दैट कैन बी यूज वेरी फेयरली इन व्हाइल यू स्पीक. सप्रेश का यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं. और एक नया वर्ड है जिसे शशि थरूर ने अपने अपने वक्तव्य में आमतौर पर यूज करते हैं. दैट इज रूर बैक. आई नो दिस इज नॉट अ वर्ड मीनिंग और ना ही ये पूछा जाएगा, बट इट कैन बी यूज एज द अपने स्पीच में आप यूज कर सकते हैं. रूर बैक. रूर बैक इज अ फिनोमेना. फिनोमेना क्या होता है कि जब एक आदमी को इंसल्ट करने के लिए उसको गिराने के लिए आप गलत सलत उसके बारे में धारणाएं फैलाते हैं और गलत सही बताते हैं उसके बारे में ताकि उसकी इंसल्ट हो जाए. तो दैट इज रूर बैक. उसे डीमोटिवेट करते हैं. और आमतौर पर उस लोगों के बारे में उन्हीं लोगों के बारे में ये सारी चीजें होती हैं जो आमतौर पर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. सो रूर बैक इज आप यूज कर सकते हैं कि यू कैन नॉट यू जस्ट स्टॉप दिस रूर बैक बिकॉज आई विल कंप्लेन टू द पुलिस स्टेशन. तो रूल बैक का मतलब होता है कि किसी के बारे में गलत सलत न्यूज फैलाना ताकि वो क्या हो सके डीमोटिवेट हो सके अपने रास्ते को यू नो व्हाट बंद कर सके. सो दिस वाज द फाइव वर्ड्स. तो सिर्फ एक बहाना होता है आपका. मेरा मेन रीजन यही होता है कि आपको बहुत ज्यादा वर्ड सिखा देने होते हैं तो आप इन वर्ड्स को यूज करें अपने डेली लाइफ में यूज करें और चीजों को तो आप डेली लाइफ में यूज करें इन सारे वर्ड्स को और ऐसे ही पढ़ते जाइए. ठीक है. जस्ट डेविएशंस बहुत आते हैं लाइफ में. बहुत डेविएशंस आते हैं बट द थिंग इज दैट कि उन डेविएशंस को अभी टैकल करें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी प्राइमरी गोल्स हैं आई थिंक सबका ऑलमोस्ट 90% ऐसे लड़के हैं 90% ऐसे बच्चे हैं जिनका 90% गोल यही है कि टू कंप्लीट अकम्प्लिस इज एजुकेशन. तो एजुकेशन की तरफ ज्यादा दौड़े आप. ठीक है. ज्यादा समय का यूज एजुकेशन में करें. इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ें आप. ठीक है. इट विल डेफिनेटली गुड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो. सो विद दैट मोशंस गुड मॉर्निंग एंड गुड बाय ऑल्सो. बाय.